नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जिस तरह से हम जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कलैबोरेट किया था ई रिक्शा यूनियन वालों के साथ, और जहां पर लंबे समय का जो विवाद था वो कहीं ना कहीं थम गया है, लेकिन आज वही आप देख सकते हैं कि महाराजा हरि सिंह पार्क के ठीक बिल्कुल सामने ई रिक्शा यूनियन के जो लोग हैं, गौरव कपूर जो इनके प्रेजिडेंट हैं, वो आज यहाँ पर फिर से एक बार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ मामला है जानने की कोशिश करेंगे, क्यों आज ये फिर से एक बार सड़कों पर उतरे हैं, और जब ई रिक्शा और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की कलैबोरेशन हो चुकी है तो ये क्या ऐसा मसला है जो आज सड़कों पर फिर से बाहर आए हैं? सर, आज आप फिर से सड़कों पर आए हैं, क्या रीजन? देखिए, दुख की बात है, सड़कों पे आना पड़ता है। यहाँ चंद लोग सेल्फ मेड चेयरमैन बने हैं, आगे वो सेल्फ मेड चेयरमैन बना के ई रिक्शा का एक 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 न्यूज बनाना चाहते हैं कि ई रिक्शा हमारे साथ है। ये मैं तीसरी चौथी बार सड़कों पे आया हूँ। श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन है जिसके साथ जम्मू का 99% ई रिक्शा जो है वो इनके साथ है, और आज का मेमोरेंडम डीसी साहब को देने जा रहे हैं, क्योंकि बार बार इस तरीके की छवि जो है हमारी ई रिक्शाओं की बनाई जा रही है कि ये बिना कागज के, बिना, हम कहते हैं जो बिना कागज के कुछ है आप उसको चलान करिए, लेकिन आप टोटली हरासमेंट, आप सिंपल नाके लगा देते हैं। आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से आपने देखा होगा जिसमें सिर्फ ई रिक्शा को रोका जाता है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से लगते हैं जिसमें सिर्फ ई रिक्शा को रोका जाता है, क्यों सड़क पे खाली ई रिक्शा चल रहा है? जिनके कागज नहीं है आप उनसे पूछें, लेकिन इस तरीके की जो हरासमेंट है वो बंद हो। और जो लोग यहाँ 20-25 ई रिक्शा अपने पास रख के जाके ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को जाके ज्वाइन करके कहते हैं कि हम इनके बैनर के नीचे ई रिक्शे, आज उनको ये जवाब है, आप देख लीजिए जो खामखा की चेयरमैनशिप है वो अपने से रिजाइन दे, आपको जम्मू के लोग पसंद नहीं करते। और इस वक्त अगर जम्मू के साथ ई रिक्शा अगर किसी के साथ है वो श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन है जिसके साथ है। कुछ ही दिन पहले जे एंड के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ई रिक्शा के बीच में जो है देखा गया कोलैबोरेशन हुई, जिसको लेकर आज फिर से यहां पर जो है ई रिक्शा यूनियन का दूसरा तरफ जो है देखने को नजर आ रहा है। आज एलजी मनोज सिन्हा के पास ये मेमोरेंडम लेके जा रहे हैं जिसमें इनका साफ तौर पे कहना है कि कुछ बने बनाए जो चेयरमैन हैं वो हमें भड़का रहे हैं और कहीं ना कहीं दिशा जो निर्देश है वो गलत की जा रही है। ये आपने इस समय की जो स्थिति देखी, वाकई में इस समय जो स्थिति है, इस समय बनी हुई लगता है कि जो ई रिक्शा को लेकर दो दो गुट बन चुके हैं, इनकी लड़ाई जो है लंबे टाइम के लिए आगे तक चलेगी। क्या कुछ कहना है आपका इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके कमेंट जरूर बताइएगा। और ई रिक्शा को लेकर जो ये लड़ाई है, जो ये विवाद है, ये लगातार जो है बढ़ता चला जा रहा है, इस विवाद के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए, धन्यवाद।